हेलो गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने किचन में रवा की इडली बना रही हूँ, वो भी बिल्कुल अलग अंदाज में। इसके लिए गाइस मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें मैं 1/2 टीस्पून बटर डाल दी हूँ और 1-2 लाल मिर्च इसमें मैं डाल दी हूँ। मैं 1 कप और 1/2 कप 1.5 कप मैं इसमें रवा डाली और इसे मैं थोड़ा सा रोस्ट करूंगी, ज़्यादा नहीं। मैं जब भी इडली ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है फ्रेंड, मैं जब भी इडली बनाती हूँ तो रोस्ट करके ही सूजी को बनाती हूँ। रवा भून चुका है और अब मैं इसे ग्राइंडर में डाल के चला देती हूँ। ठंडा हो रहा है, नेक्स्ट मैं इसी कढ़ाही में चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। इसके लिए मैं 1/2 कप चना दाल, थोड़े से नारियल, 1-2 मिर्च डाल के थोड़ा इसे मैं भून दे रही हूँ। हमारा रवा पिस चुका है ग्राइंडर में और अब मैं इसमें, ये हमारे पास 1 कप दही है, इसे डाल देती हूँ और नमक डाल के मैं इसे 1/2 घंटे फॉर्मेट होने छोड़ देती हूँ। दाल भी भून चुका है, इसे भी मैं निकाल देती हूँ। आती हूँ सांभर के लिए। इसमें 1 लाल मिर्च, 1 प्याज, थोड़ी सी करी पत्ता, 1 टमाटर, 1 बैंगन कटी हुई और 1 गोभी डाल के मैं इसे भून देती हूँ। कि मैं इसमें अपने सांभर में, मैं गाजर भी सांभर में डालती हूँ, इसका कलर बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और ये 1/2 कप दाल मैं ली हूँ, इसे धो के मैं डाल देती हूँ। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून मिर्चा पाउडर और 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर। 2 मिनट भून ली और अपने दाल को इसमें डाल देती हूँ। 2 सीटी लगने देती हूँ। आज ये देखिए, हमारा सब्जी सारा दाल के साथ मिक्स हो गया है और अब मैं इसे अच्छे से अपने कलछल से इसे चला दी हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा सांभर बना है। तैयार कर रही हूँ, ये देखिए मैं इसमें निकाल दी हूँ। आधा चम्मच मैं इसमें सांभर पाउडर डाल दे रही हूँ, ये देखिए। और इधर हमारा तेल डाल दी हूँ फ्रेंड, और थोड़ी सी इसमें हींग। और 2-3 मैं इसमें करी पत्ता भी डाल दी हूँ, ये देखिए। और इसे मैं अपने सांभर में डाल देती हूँ, ये देखिए। 1/2 घंटा हो गए हैं, हमारा सूजी भी बहुत अच्छे से फूल चुका है, ये देखिए फ्रेंड। और इसमें मैं थोड़ी सी गाजर डाल देती हूँ कसी हुई, 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाली हूँ और थोड़ी सी धनिया पत्ता। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अभी तो हमारे पास इनो नहीं है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच मैं इसमें बेकिंग सोडा डाली हूँ और थोड़ी सी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ कि फॉर्मेट हो जाए अच्छे से। ये देखिए एयर बबल्स आने लगा है और इसे मैं अच्छे से एक ही साइड इसे मिक्स करें, नहीं तो ये फॉर्मेट नहीं होगा। और इधर मैं अपने इडली मेकर में, देखिए सारे में मैं तेल लगा दी हूँ और इधर हमारा कुकर में पानी भी गर्म हो चुका है और अब मैं
इसे भी इसमें थोड़ी सी अपने चॉक से मैं बचाई थी इसे भी डाल देती हूँ। ये देखिए, और अब मैं इसे अपनी इडली मेकर में डाल डाल के सेट कर देती हूँ। मेकर में डाल दी हूँ फ्रेंड, और 10 मिनट में इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देती हूँ। तो गाइस ये देखिए हमारा, वाओ, हमारा सारा ठंडा होने देती हूँ, तब मैं इसे डिस आउट करूँगी। ये देखिए, कुछ इसे छुरी चाकू चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप देखिए कितना मस्त निकल रहा है। हमारा इडली कितना बढ़िया, कितना फ्लफी, कितना सॉफ्ट बन के तैयार है। और अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये हमारा सांभर कितना मस्त बना है, और इधर हमारी चटनी भी देखिए कितनी यमी लग रही है देखने में, और हमारे इडली को देखिए कितना सॉफ्ट ये बना है। ये देखिए, मैं इसे तोड़ के देख, कितना फ्लफी है, कितना जाली इसके अंदर है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।